दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सोमवार को जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने मंगलवार को सीसीटीवी फुटेज से एक फोटो जारी की है। फोटो में संदिग्ध रफी अहमद किदवई मार्ग पर भागता नजर आ रहा है और उसने सफेद रंग की शर्ट पहनी है। फिलहाल दिल्ली पुलिस हमलावर की तलाश में जुट गई है। बता दें कि सोमवार को उमर खालिद यूनाइटेड अगेंस्ट हेट संगठन के खौफ से आज़ादी नाम के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे थे। इसी बीच एक स्टॉल पर चाय पीने के दौरान एक शख्स ने उमर खालिद को धक्का दिया और फिर फायरिंग की। फायरिंग के बाद हमलावर वहां से भाग गया, लेकिन भागते वक्त उसकी पिस्तौल वहीं गिर गई। इस हमले के बाद उमर खालिद ने कहा कि देश में खौफ का माहौल है और सरकार के खिलाफ बोलने वाले हर व्यक्ति को डराया धमकाया जा रहा है। उमर खालिद ने कहा कि वो हमलावर का चेहरा नहीं देख पाए।